पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मुस्लिम देशों ने भी इस बयान पर बीजेपी की आलोचना की। इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट बताते हुए पार्टी से निकाल दिया। कई लोग नूपुर शर्मा के समर्थन में सामने आए। इसके बाद उदयपुर में दो मुस्लिम व्यक्तियों ने दर्जी कन्हैयालाल की हत्या कर दी। आरोपियों ने इस निर्मम हत्या को नूपुर शर्मा के बयान का बदला बताया। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपियों की पहचान मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के रूप में की। कन्हैया लाल की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल में दावा किया कि इस्लामिक भीड़ ने धारदार हथियार से पुलिस कांस्टेबल संदीप के गर्दन पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये आर्टिकल ऑफ इंडिया ने फेसबुक और ट्विटर पर भी पोस्ट किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव ने भी ऐसा ही दावा किया। वहीं ये दावा शेयर करने वालों में प्रोपेगेंडा वेबसाइट क्रिएटली भी शामिल है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे की तफ्तीश करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये दावा सरासर गलत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्हैयालाल की हत्या का विरोध करते हुए कई संगठनों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उस दौरान बेकाबू भीड़ में से एक लड़के ने पुलिस कांस्टेबल संदीप पर तलवार से हमला कर दिया। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों में बताया गया है कि इस घटना के बाद वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी और पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ पर काबू पाया था। राजस्थान पुलिस ने ट्वीट करते हुए भी वायरल दावे का खंडन किया। राजसमंद के SP सुधीर चौधरी ने ऑल्ट न्यूज से हुई बातचीत में वायरल दावे का खंडन किया और कहा कि जिस भीड़ ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया वो मुस्लिम समुदाय की नहीं बल्कि स्थानीय संगठनों की थी जो कन्हैया लाल की हत्या का विरोध कर रहे थे। इस पर लगातार नजर बनाए रखते हुए और आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ऑल्ट न्यूज ने राजसमंद के SP से बात की। उन्होंने बताया कि 8 जुलाई को राजस्थान पुलिस और गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड ने एक जॉइंट ऑपरेशन में कांस्टेबल संदीप पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी बलवीर सहित 2 अन्य आरोपी महावीर और श्रवण को गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार कर लिया। भीम पुलिस स्टेशन के SHO गजेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व तलवार पेट्रोल की बोतलें और लाठियां लेकर भीम में दाखिल हुए थे। पुलिस प्रशासन ने उन्हें खदेड़ा भी लेकिन भीड़ में से एक व्यक्ति बलवीर ने संदीप को मारने के इरादे से उसकी गर्दन पर तलवार से हमला कर दिया था। तो जैसा कि हमने देखा राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया ने झूठा दावा चलाया कि कन्हैयालाल की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रही इस्लामिक भीड़ ने कांस्टेबल संदीप पर हमला किया जबकि हत्यारों की गिरफ्तारी के विरोध में कोई प्रदर्शन हुआ ही नहीं। राजस्थान पुलिस द्वारा जब सच्चाई बताई गई तो ऑफ इंडिया ने अपना आर्टिकल अपडेट कर दिया।